सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा आप कोई भी गेम अपने एंड्रॉइड फ़ोन में इंस्टॉल करने के पहले कैसे पता लगा सकते हैं कि यह गेम आपके एंड्रॉइड फ़ोन में वर्क करेगा कि नहीं। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पहले से पता हो और बहुत लोगों को नहीं पता हो। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से पता करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गेम देखना है उसका नाम लिखेंगे हम। यहाँ मैं सबसे पहले पोकेमॉन का दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा, आप देख सकते हैं। और आपको शायद पता होगा इसको खेलने के लिए 2 GB रैम चाहिए, कम से कम 2 GB रैम। तो ये लोड हो रहा है, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ अभी। और फिर मैं आपको एक बात और बताऊँगा साथ में। पहले एक सेकंड मैं देख लूँ कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, ये आप देख सकते हैं 2 GB रैम होनी चाहिए, ये देखिए। तो चलिए अब नीचे जाएंगे हम गेम में, कोई भी गेम हो जिसके बारे में देखना है उसको स्लाइड डाउन करेंगे और यहाँ पे ये रिव्यूज आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं कमेंट्स लोगों की। तो रीड ऑल रिव्यूज में क्लिक करेंगे एक बार तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। फिर ऑप्शंस में क्लिक करेंगे, फिर फ्रॉम दिस डिवाइस मॉडल ओनली में क्लिक करेंगे और ओके में क्लिक कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की कमेंट है, बहुत से लोग जैसे कि आप देख सकते हैं सामने, कई लोग बोल रहे हैं कि ये गेम अच्छा है अच्छा है। हाँ ये आप देख सकते हैं, मतलब ये आप देख सकते हैं जिसके हिसाब से आप ये जान सकते हैं कि इस केस में वर्क कर रहा है, जो कि इस वक्त मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल है। और अब मैं आपको बता देता हूँ एक बात और, ये मैंने अपने डिवाइस मॉडल के लिए देखा है और मैं आपको एक बार सेटिंग से भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको पक्का पता चल जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो एक सेकेंड, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1.2 GHz का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है और वीवो Y21L का मेरे पास मोबाइल है इस वक्त और 1 GB रैम है। तो इसका मतलब ये कि पोकेमॉन को 2 GB रैम की होनी चाहिए लेकिन 1 GB रैम में भी काम करता है, लेकिन बहुत स्लो काम करेगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत से लोगों ने लिखा है कि काम नहीं कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, और बहुत से लोगों ने लिखा है काम कर रहा है, तो मतलब ये अच्छे से काम नहीं करेगा लेकिन काम करेगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं किसी भी गेम के बारे में कि आपके एंड्रॉइड फ़ोन में वर्क करेगा अच्छे से या नहीं करेगा, किसी भी गेम के बारे में देख सकते हैं। तो एक गेम के बारे में मैं आपको और दिखा देता हूँ, आसफल्ट 8 के बारे में। तो इसका ये फ़ायदा है कि आप अपनी इंटरनेट एमबी बर्बाद किए बिना जान सकते हैं कि आपके एंड्रॉइड फ़ोन में किस तरह से वर्क करेगा, कोई भी गेम अच्छे से वर्क करेगा कि नहीं। तो इसका यही फ़ायदा है, आपकी इंटरनेट एमबी बचेगी, बस आपको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी कमेंट पढ़नी पड़ेगी लोगों को, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये मैंने दिस डिवाइस मॉडल में क्लिक किया, एक सेकेंड, ये आप देख सकते हैं ये लोगों की कमेंट है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए।